रूना, रूना माय चाइल्ड, सिस्टर कैथरीन। ओह थैंक गॉड तुम्हें मेरा नाम तो याद रहा, वरना हंसने बोलने की तरह तुमने मुझे बुला दिया तो मैं क्या करूंगी। तुम जैसी प्यारी बेटी मुझे फिर कहाँ मिलेगी। ऐसा कैसे हो सकता है, आपको भूल के मैं कहाँ जाऊंगी, आपके सिवा मेरा है ही कौन। रूना गॉड तुम्हें सब कुछ देगा, यू आर एन एंजल माय चाइल्ड। वो देख रहा है कि तुम किस तरह दिन भर उसके घर को सवारती हो, वो तुम्हें इसके लिए रिवॉर्ड जरूर करेगा। तुम्हें वो सुकून देगा जिसके लिए तुम सारा दिन नमाज पढ़ती हो और रात को आके मेरी खुशी के लिए कैंडल्स जलाती हो। और वो देख रहा है कि जिस तरह तुम एक स्वीपर के बेटे की शादी के लिए इतना कुछ कर रही हो, वो तुम्हें इसका रिवॉर्ड जरूर देगा। गॉड इज वेरी हैप्पी विद यू, देखना वो तुम्हें कैसे ब्लेस करेगा माय चाइल्ड। चले हो गया जी, चलो। अरे हाँ रूना, वो मैंने कहना था कल शादी के लिए अपनी हॉस्टल की फ्रेंड्स को बुलाना हो तो बुला लेना, ठीक है। ओ और एक और बात, हमने दुल्हा दुल्हन के लिए गिफ्ट तो लिया ही नहीं। मैं भी यही सोच रही थी। चलो फिर अभी पहले मार्केट चल के उनके लिए गिफ्ट लेते फिर हॉस्टल चलेंगे। लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं, इस तरह और ज्यादा देर हो जाएगी। चले हेलो सारा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। यार तुम तो गायब ही हो गई फर्स्ट प्रोजेक्ट के बाद। मैंने कहाँ गायब होना है, बस घर बैठ गई हूँ कुछ दिनों के लिए। कुछ दिनों के लिए? जॉब करने का इरादा है? नहीं, मेरी शादी अमीर खानदान में तय हो गई है। अरे वाह भाई, तुम तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। अरे ठहरो ठहरो, दानियाल वाले मामले का क्या बना? तुम लोगों के वो वादे, वो कस्मे, कहाँ गया सब? जो मर्द सिर्फ मोहब्बत के दावे करता हो और घर में रिश्ता तक नहीं भेज सकता, उसके वादे बर्फ के होते हैं और वक्त एक तेज धूप है। लेकिन दानियाल तो तुमसे मोहब्बत करता था ना? मेरा भी यही ख्याल था। तुमने उसे बताया? नहीं, अब कोई फायदा नहीं। ऐसे कैसे फायदा नहीं, तुम रह लोगे उसके बगैर? पता नहीं। काम करो, तुम आंटी को बताओ कि तुम अपने क्लास फेलो दानियाल को पसंद करती हो। तुम्हें लगता है कि बताया जा सकता है, वो भी इस सूरत हाल में कि जब दानियाल की जानिब से एक कदम भी नहीं बढ़ा। और मैं बताकर अपनी अम्मी और अपने मामू की नजरों में गिर जाऊं? लेकिन ये सब इतनी जल्दी हो कैसे गया? पता नहीं, और अब ऐसा है कि मुझे पसंद कर लिया गया है और कुछ ही दिनों में मेरी बारात आ जाएगी। पसंद कर लिया गया और तुम्हारी पसंद? किसी ने पूछना भी गवारा नहीं किया। अच्छा तुम हौसला करो, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। रास्ता तो साफ और मेरे सामने है, मेरे घर से ससुराल तक का। मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ सारा, मैं कल तुम्हारी तरफ आती हूँ और मिलकर इस मामले में बात करते हैं। मैं दानियाल से खुद बात करती हूँ और अगर तुम्हें मुनासिब लगे तो तुम भी उससे पूछो। मुझे फिलहाल कुछ बात नहीं करनी, मैं घर वालों के सामने कोई स्टैंड नहीं लूंगी। मैंने पूरी जिंदगी में पहली दफा अम्मी के चेहरे पे खुशी देखी है और मैं इनका मान नहीं तोड़ सकती। हाँ और यूं ही रोती रहोगी, अब तुम हौसला रखो, मैं कल आती हूँ तुम्हारी तरफ।